दोस्तों एक टाइम था जब मैं कंडक्टरी करता था और इस चेक पोस्ट के बाद ये कैशियर जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग एक एक घंटा रात को खड़े रहते थे अपना रिश्वत का पैसा इन लोगों को देने के लिए। और आज एक टाइम है यहाँ पे अंदर हमने जाके देखा कुत्ते सो रहे हैं। और ये देखो इधर हालात, जब तक यहाँ से पैसा मिल रहा था तब तक सब सही था, अब पैसा यहाँ से मिलना बंद हो गया तो ये सब कोई देखने वाला नहीं। ज़्यादा गलत शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि हो सकता है ये ट्रांसपोर्ट टीवी पे कहीं वीडियो हमारी चल जाए। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सुधरने में नहीं आ रहे आरटीओ, ट्रक के आगे गाड़ी लगाकर ट्रक पर चढ़ा और मांगी रिश्वत। जी सर, क्या बिल डिपार्टमेंट लाओ जी, क्या हुआ साहब, चालान कट बिजली कटाओ, हुआ क्या सर, लो बिल दे दो, 200 रुपए एंट्री है, 500 रुपए एंट्री है, अमेज़न अभी चालान बना देगी, जल्दी करो फटाफट। सर मैं हेलो सर, क्यों मारी मारी करते हो साहब, ये मारा लो, अभी रुक तो आ रहा हूं, एक मिनट उधर सर, नीचे कर नीचे कर, पैसे नीचे करके लेकर चला गया हमारे से। आखिर आरटीओ कर्मियों का लालच कब थमेगा, कब भरेगा इनका पेट और सरकार या प्रशासन की इन पर नजर कब पड़ेगी, ये समझ से परे। जहाँ तहाँ इनका मन करता है अपनी काली करतूतों को पूरा करने के लिए सफेद गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और ड्राइवरों की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा लेते हैं, लंबी लंबी रेस सड़कों पर करते हैं। इस वीडियो में देखिए किस तरह से गाड़ी रुकवाकर बड़े आराम से ट्रक के कैबिन में चढ़ रहा है ये आरटीओ और सीधा 500 रुपए की मांग कर रहा है। मांग तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई उधार ड्राइवर को दिया, 100 रुपए देने को ड्राइवर ने कहा तो कागज लेकर उतर गया। नाजायज काम को भी ऐसे दबंगई से कर रहा है जैसे सरकार का कोई बहुत बड़ा केस हल कर रहा है। ये सब बिना किसी अंजाम की परवाह किए बिना करते हैं, क्या इनको सरकार के द्वारा कार्रवाई होने का भी डर नहीं, क्या इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि अपना ईमान बेच डालते हैं। ये घटना जयपुर बाईपास की है, वहाँ पर ड्राइवर विवेक अग्रवाल को इन्होंने रुकवाया जो भिवंडी महाराष्ट्र से फारूक नगर दिल्ली जा रहे थे। अमेजोन का माल उनकी गाड़ी में लदा हुआ था। ड्राइवर ने बताया कि अमेजोन के माल में वैसे भी किसी तरह की कोई कमी वो रखते नहीं, ना ही कोई जल्दी से उन्हें रुकवाता है क्योंकि गाड़ी ओवरलोड तो होती नहीं और सभी कागज पूरे होते हैं। एंट्री के लिए जगह जगह गाड़ी, फिर भी ये लोग रुकवा ले। अब आइए आपको दिखाते हैं एक और वीडियो जिसमें ड्राइवर खुशी से फूला नहीं समा रहा क्योंकि आरटीओ चेक पोस्ट बंद हो चुका है और उसके बाद वहाँ के क्या हालात हैं देखिए। आरटीओ चेक पोस्ट, ध्यान से देखो, कैशियर एंड इंस्पेक्टर रूम और आसपास के हालात। और ये है अपनी गाड़ी, चैन से ड्राइवर यहाँ पे खड़े हैं, खा पी रहे हैं, बना रहे हैं। और सरकार की एक और इसमें नाकामी और नकम्मी, सरकार की एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ये कचरा, ये पॉलीथीन, ये सब देख सकते हो, बड़ी बड़ी जगहों पे दुकानों में छापेमारी करते हैं, प्लास्टिक बैन है, फाइन कर देते हैं। और ये देखो इधर हालात, जब तक यहाँ से पैसा मिल रहा था तब तक सब सही था, अब पैसा यहाँ से मिलना बंद हो गया। देखा आपने, सुने ड्राइवर के तीखे शब्द, ये वही आरटीओ चेक पोस्ट है जहाँ कभी गाड़ियाँ रुकवा कर ऐसा ही खेल खेला जाता था जैसा पहले वीडियो में आपने देखा। अब यहाँ पर कूड़ा करकट जमा है, कोई झांकने वाला नहीं। आपको बता दें ये भिलाड़ चेक पोस्ट है जो गुजरात में पड़ता है, महाराष्ट्र से जाते हुए गुजरात का ये बॉर्डर, और बहुत पहले गुजरात के कई बॉर्डर सरकार ने बंद करवा दिए थे जो भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे। ड्राइवरों का समय यहाँ पर बर्बाद होता था, अब ड्राइवर खुश हैं कि ये बंद है, अब यहाँ सिर्फ वो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और इसकी खाली जगह पर आराम करते हैं। इन बॉर्डरों से समय समय पर इस तरह की वसूली की खबरें, भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद सभी राज्यों को अपनी सीमा चौकियों को हटाने की सलाह दे दी गई थी, लेकिन फिर भी अंडर टेबल आय और भ्रष्टाचार का एक ये प्रमुख स्रोत आज भी बने हुए हैं। ये इस बात से जाहिर होता है कि केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार वाले राज्य भी उन्हें नहीं हटा रहे। सीमा चौकियों को हटाने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को कई बार पत्र लिखे गए हैं, फिर भी उनकी बात नहीं मानी जा रही, आखिर क्यों? आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों जारी है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लगभग 5000 लाइक देकर अपनी हाजिरी भी दर्ज करवाएं। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं,
लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।